आदरणीय शक्ति स्वरूपा एवं जगबंध नी माता, याद करो मैंने तुम्हें पूर्व जन्म वरदान दिया था, उसी को सत करने के लिए आया हूँ। हे माता, तुम अपनी पूर्व जन्म की कहानी सुनो। माता सुनो अपनी पूर्व कहानी, तुम सत रूपा मैया पिता मनु प्रभु के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी की जो वर्षा हो रही है और आप सब लोग उसमें स्नान कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर साहब, क्या नाम था, अंकित भैया डॉक्टर साहब की ओर से ये दोष मुद्राएं प्रभु के चरणों में देकर सम्मान किया जा रहा है। भगवान कल्याण करें। सुने माता सुनो अपनी पूरा
या हर्ष सिंह कछवाए जो प्राण कृष्ण जाए प्रभु के चरण में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद है इस मंच पर इतने छोटे बालक कभी आए ना होंगे और इतनी छोटी जोड़ी दूसरी है ही नहीं। बात सत्य है। और आदरणीय हमारे दिसंबर भैया कछवाए 51 प्रसन्न रहे प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे। और गोपी भैया ठाकुर साहब 20 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। और रणधीर सिंह भदौरिया साहब 51 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रभु का सम्मान कर रहे हैं आप लोग। आपका हमेशा सम्मान बरकरार रहे। साधुवाद सुने माता सुनो सुशील सिंह एडवोकेट सरकार के चरणों में समर्पित कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रुपया का नाम हाँ और ये देखू ले तुम नाम पूर्वी हाँ देखिए बिटिया के द्वारा ये 20 रुपए प्रभु सरकार का सम्मान किया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बड़ी उम्र करे। माता सुनो अपनी बानी पा श्री मुख से जब जानना चाह भगवान के जाल और देखे गणेश जो गणेश दुबे जी छोटे सा बालक है ये 10 रुपए सरकार के चरणों में भगवान को बड़ी उम्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने माता जी के द्वारा माता पुण्य बोली सोमति गोली तजहो तातिया रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमे अनुपा। जब मैंने जानना चाहा मैं कौन से महाप्रभु की वंदना पूजा कर रही हूँ उत्तर मिला याद करो पिछला जन्म पूर्व जन्म की गाथा याद करो हम तुम्हें वरदान देने वाले ही नहीं माँ कहने वाले भी। याद करो हाँ याद आ रहा है जिस समय आपने वरदान दिया था एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि 3 बार संकेत किया था। प्रथम मांग मांग भैन बानी परम गंभीर कृपा मत चानी बोले कृपा निधान मांगो बर जो भाव मन महादान अनुमान सतरूप ही विलोक कर जोरे देव ही मांग बल जोर तोरे।
मैंने विचार किया प्रभु मुझसे भी कह रहे हैं वरदान मांगो। मेरे स्वामी ने आपसे, मेरे स्वामी ने आपसे पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। मैंने विचार किया मैं क्या मांगू। हाँ, आपसे विनती किया था कि महाराज के जब भी आप पुत्र बने तो मेरे ही पुत्र बनेंगे। क्यों? इस जन्म में अकेले मैं ही रानी हूँ, आने वाले समय में कहीं महाराज के अनेक रानियां ना हो जाए, किसी भी रानी से जन्म लेकर आप महाराज के पुत्र बन जाए और मैं माँ ना बन पाऊँ। इसलिए पूर्व जन्म में मैंने विनती किया था और इस जन्म में स्तुति कर रही हूँ अपने पुत्र महाप्रभु की। हाँ, अयोध्या में पुत्र तो बहुत हैं, लेकिन निजी पुत्र नहीं है जिसे अपने गोदी से लगाकर, हृदय से लगाकर सिर पिला सको और कह सको छोटा सा ननिहाल बालक होना चाहिए ना। बस वही लालसा है। धन धन नाथ, हमारे पास धन धन नाथ रघुवंश को सनाथ हो, लौकिक बिहारी के विचार कर लीजिए आज लो रही जो सुतहीनता प्रतिहीनता ऐसी सुतहीनता प्रथा को हर लीजिए। देखो विष्णु का स्वरूप रूप को अनूप अब ऐ हो सुरभूप बाल रूप धर लीजिए। यदि आप बालक नहीं बनेंगे, जिस समय ये अयोध्या के नर नारी सुनेंगे कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसके चार भुजाएं हैं, सो सुन के मेरी हंसी उड़ावेंगे। इसलिए विनती कर रही हूँ आप छोटे से बालक बने, जब बालक बनेंगे डालूंगी अंगलाई में छोटा सा पलना, झुलाऊंगी और लोनिया भी। रेशम डोरी चंदन के रो पलना पलना। देखिए हमारे पुजारी जी कुछ कहना चाहते हैं, यही समय मैंने निपटवा दो। हाँ देखिए, ये पूरे रामलीला में श्री राम जन्म से लेकर और रावण वध तक की रामलीला में चतुर्भुज रूप दोबारा नहीं देखेंगे। यह एक बार ही परमात्मा ने चतुर्भुज रूप धारण किया था। मैं चाहूंगा कि दो मिनट इस चतुर्भुज रूप पे जो भी आरती करना चाहे तो आरती कर सकते हैं दो मिनट के लिए, और इसके बाद तुरंत